भाई वेलकम बैक टू द यूएफसी दोस्त यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इस्लाम मकाशिफ के कोच ने उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में थोड़ा बताया है पब्लिक को, उसके बारे में आप सबको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि माइक टाइसन ने किसको सपोर्ट करा है, ये फ्रांसिस एनगानू और टाइसन फ्यूरी का जो ये बॉक्सिंग मैच होने वाला है उसके अंदर सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल का कॉन्टेंट पसंद आएगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सिर्फ 50 सब्सक्राइबर्स और चाहिए 7000 सब्सक्राइबर्स के लिए। तो भाइयों पिछले कुछ दिनों से मैं आप सबको बता रहा था बार बार कि इस्लाम मकाशिफ के कैंप की तरफ से ये खबर आ रही है कि वो वेल्टर वेट में मूव ऑन कर जाएंगे अबू धाबी की फाइट के बाद, अगर उन्होंने चार्ल्स ओलिवेरा को दोबारा हराया। और ये चीज आज कंफर्म भी कर दी है इस्लाम मकाशिफ के जो करंट कोच है, जो एके बॉक्सिंग एकेडमी में रहते हैं यहावियर मेंडिस, उन्होंने ये कंफर्म करा है और उन्होंने ये बोला है कि वो चाहते हैं कि इस्लाम मकाशिफ जब चार्ल्स ओलिवेरा को अगर वो हरा देंगे अबू धाबी के अंदर, तब वो जाएंगे सीधा वेल्टर वेट डिवीजन में और लियोन एडवर्ड्स की तरफ और लियोन एडवर्ड्स को चैलेंज करेंगे। तो भाई मैंने आप सबको ये चीजें एक डेढ़ हफ्ते पहले ही बता दी थी कि शायद से इस्लाम मकाशिफ इस फाइट के बाद ट्राई करेंगे वेल्टर वेट डिवीजन में जाने का। और इनफैक्ट आप सबने अगर मेरी वीडियोस फॉलो करा होगा, मैंने कितनी बार आप सबको दिखाया था कि इस्लाम मकाशिफ ने इस चीज के ऊपर हिंट करा था, काफी बार वो ट्वीट्स करते थे, वो लियोन एडवर्ड्स को ही चैलेंज कर रहे थे जब तक चार्ल्स ओलिवेरा वाली फाइट नहीं बनाई गई थी। लेकिन डेफिनेटली वो इस चार्ल्स ओलिवेरा वाली फाइट के बाद अगर वो इस फाइट में जीतते हैं तो डेफिनेटली से वो वेल्टर वेट डिवीजन में जाएंगे और जो भी उस टाइम पे चैंपियन रहेगा लियोन एडवर्ड्स कोबी कोविंगटन कोई भी उसको वो डेफिनेटली चैलेंज करने वाले हैं। इनफैक्ट भाइयों मैंने अपने चैनल पे काफी बार ये चीज आप सबको बोला है कि इस्लाम मकाशिफ के जो दिन है लाइट वेट डिवीजन में वो बहुत ही नंबर्ड है, क्योंकि देखिए उनको वेट कट करने में बहुत प्रॉब्लम होता है और वेट कट्स के कारण हम देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। वेल्टर वेट डिवीजन में वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं नो डाउट। और भाइयों शायद ऐसा भी हो सकता है कि जब ये अबू धाबी में उनकी फाइट हो चार्ल्स ओलिवेरा के अगेंस्ट और अगर वो इस फाइट को जीत जाते हैं तो शायद से ये उनकी लास्ट फाइट भी हो सकती है लाइट वेट डिवीजन के अंदर इस्लाम मकाशिफ की, क्योंकि यहां पर चार्ल्स ओलिवेरा को हराने के बाद कोई वैसा उनके पास इंसेंटिव बचेगा नहीं लाइट वेट डिवीजन का। और अगर उन्होंने वेल्टर वेट डिवीजन में जाकर बेल्ट जीत ली बाय चांस, अगर लियोन एडवर्ड्स या जो भी उस समय चैंपियन होगा अगर उसको हरा देते, तब तो उनके पास बिल्कुल भी इंसेंटिव नहीं होगा कि वो निचले वेट क्लास में आके इतना सारा वेट कट करके लाइट वेट की बेल्ट को डिफेंड करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली वो डिवीजन को छोड़ ही देंगे और सीधा वेल्टर वेट पे ही फोकस करने लग जाएंगे। और भाई ये चीज यहां पर कंफर्म भी कर दिया है हावियर मेंडिस जो कि कोच है इस्लाम मकाशिफ से, पूरी तरीके से कंफर्म हो चुकी है कि अगर विक्ट्री मिली यूएफसी 294 में तो डेफिनेटली एक बार हम देख सकते हैं इस्लाम मकाशिफ को वेल्टर वेट डिवीजन में भी। बाकी भाइयों मेरा तो यही थिंकिंग है कि अगर उन्होंने वेल्टर वेट की बेल्ट जीती तो ये शायद से लास्ट फाइट हो सकती है यूएफसी 294 में उनकी। आप सब अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो भाइयों अब बात करते हैं यहां पर जो टाइसन फ्यूरी वर्सेस फ्रांसिस एनगानू की जो बॉक्सिंग फाइट होने वाली है उसके बारे में। हां मुझे पता है आप सबको जेक पॉल वर्सेस नेट डियाज की भी फाइट का वीडियो चाहिए, डेफिनेटली वो वीडियो इसके अगला वीडियो डेफिनेटली अपलोड हो जाएगा। जेक पॉल वर्सेस नेट डियाज वाला वीडियो प्रोबेबली आज ही हो जाए या तो कल, तो डेफिनेटली से हो जाएगा सुबह सुबह। अभी के लिए हम यहां पर बात करते हैं फ्रांसिस एनगानू वर्सेस टाइसन फ्यूरी। देखिए ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट है, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी दो वीडियोस बना रखी हैं, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। इसके ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया है माइक टाइसन ने, जो कि फॉर्मर हैवीवेट चैंपियन रह चुके हैं बॉक्सिंग के अंदर। उन्होंने ये बोला है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरीके से फ्रांसिस एनगानू को इस फाइट में, और ये सिर्फ सपोर्ट तक बात नहीं रही, सपोर्ट में तो बहुत सारे लोग सामने आए। उन्होंने ये भी कहा है कि फ्रांसिस एनगानू को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके पास वो रॉ वन पंच नॉकआउट पावर है और उनको ऐसा लगता है कि वो टाइसन फ्यूरी को बॉक्सिंग फाइट के अंदर हरा देंगे। तो देखिए भाई यहाँ पर हम बैठ के माइक टाइसन जैसे ग्रेट पर्सनालिटी, एक लेजेंड ऑफ द स्पोर्ट को ये तो नहीं कह सकते कि माइक टाइसन को नहीं पता है वो गलत बोल रहा है या मैं आपको जो बताऊंगा वो सही बोल रहा हूँ। देखिए माइक टाइसन का यहाँ पर कहना एक तरीके से ठीक है, हाँ जो रॉ पावर है उसमें टाइसन फ्यूरी कभी भी मैच नहीं कर पाएगा फ्रांसिस एनगानू को। लेकिन पावर दो तरीके से जनरेट होती है, एक होती है मसल पावर, एक आपने मसल से पावर जनरेट करी, और एक होती है टेक्निक के थ्रू आपने पावर जनरेट करी, अपने शॉट्स को हाइड करके पावर जनरेट करी। और फ्रांसिस एनगानू पावर जनरेट करता है फर्स्ट तरीके से, सिर्फ अपने मस्कुलर पावर से पावर जनरेट करता है। तो इस तरीके से जब आप पावर जनरेट करते हो और ये जो पावर होती है ये आप फाइट में लैंड करवा पाओगे कि नहीं लैंड करवा पाओगे, इसके 50-50% चांसेस होते हैं, इनफैक्ट और कम ही चांसेस होते हैं इसको लैंड कराने का। के अंदर फ्रांसिस एनगानू अपने पंचेस लैंड करवा पाता था क्योंकि सामने वाले फाइटर को बहुत चीजों के बारे में वरी करना होता था और एमएमए एक काफी कॉम्प्लेक्स गेम है रिलेटिवली कंपेयर टू बॉक्सिंग, तो वहां पर ये पंचेस लैंड करवा लेता था। बट क्या फ्रांसिस एनगानू सिर्फ एक ट्रेडिशनल बॉक्सिंग
बॉक्सिंग मैच में वर्ल्ड के अभी के टाइम का सबसे ग्रेटेस्ट हैवीवेट बॉक्सर के अगेंस्ट ये फाइट में ऐसा पंच लैंड करवा पाएगा, एक जो वो विंडमिल पंचेस मारता है वैसे वाले पंचेस लैंड करवा पाएगा, मुझे नहीं लगता पर्सनली। और इतने कम टाइम में बॉक्सिंग टेक्निक सीखना और एकदम फेंट सीख जाना, बॉक्सिंग ट्रैप सीख जाना, ये भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऐसा हो सकता है कि टायसन फ्यूरी शो बोर्डिंग में और काफी लाइटली लेके यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर दे फ्रांसिस एनगानू के लिए, लेकिन ऐसा भी करने के लिए एक और प्रॉब्लम आती है। ऐसा होता है कि फाइटर जब बहुत ज्यादा फेवरेट होता है कोई फाइटर, तो वो बहुत सारी गलतियां कर देता है या बहुत ज्यादा रेकलेस फाइट करता है, लेकिन उसके लिए भी आपको चाहिए कार्डियो। हमने देखा है कि कार्डियो आपको चाहिए होगा, लेकिन यहाँ पर कार्डियो भी नहीं है। एक लंबी फाइट में टायसन फ्यूरी कोई ना कोई गलती तो करेगा, लेकिन तब तक के लिए आप भी टिकने चाहिए। या फ्रांसिस एनगानू यहाँ पर 7-8 राउंड तक बॉक्सिंग करवाएगा टायसन फ्यूरी के अगेंस्ट बिना लाइट अप हुए, और वहां पर उस गलती का वेट कर सकता है पूरे फाइट के लिए, जो टायसन फ्यूरी एक गलती करेगा उसके ऊपर कैपिटलाइज करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि फ्रांसिस एनगानू के पास इतना बड़ा कार्डियो भी है कि वो 8-9 राउंड तक टिक पाए। तो ऐसा लगता है कि फ्रांसिस एनगानू को बस एज अ फ्रेंड सपोर्ट कर दिया है यहाँ पर माइक टायसन ने, या जैसे भी सपोर्ट करा है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लॉजिक है स्टेटमेंट का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 9 out of 10 टाइम्स टायसन फ्यूरी इस फाइट को जीतेगा, अनटिल अनलेस कोई बहुत ही रेकलेस मिस्टेक करते स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में और फ्रांसिस एनगानू पूरी तरीके से उस पे कैपिटलाइज कर दे। बाकी भाइयों आप सब अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जेक पॉल वर्सेस नेट डियाज की फाइट का वीडियो अगला होगा, डेफिनेटली वो भी आ जाएगा। टिल देन अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।